और आए हुए जितने भी हमारे देवतुल जनता जनार्दन या पदाधिकारी आप सभी लोग। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय चौहान महासभा की बैठक शेखपुरा स्थित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि चौहान समाज का गौरवशाली इतिहास रहा, इसे पाने के लिए हमें अपने समाज के युवाओं को शिक्षित करना होगा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाना होगा, साथ ही राजनीति में 100% भागीदारी करके ही हमें अपने हक हुकूम की लड़ाई को पा सकते हैं। चौहान समाज को मजबूत बनाने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ता कमर कस लें और हमारे बीच आने वाले नेताओं से सवाल जवाब करें कि चौहान समाज के उत्थान के लिए उनका क्या योगदान है। राष्ट्रीय संरक्षक मूलचंद चौहान ने समाज के गरीब व वंचित बच्चे व बच्चियों को जागरूकता अभियान चलाकर शिक्षा के प्रति जोर दे रहा है, बाल विवाह व दहेज प्रथा को समाज से खत्म करने के लिए जमीनी प्रयास कर रहा है। जिलाध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर चौहान समाज के उत्थान के लिए काम करना होगा। इसके बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई, जिसमें जौनपुर का जिलाध्यक्ष रामरतन सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश प्रसार मंत्री सुशरण चौहान, सदस्यता प्रमुख की जिम्मेदारी सतीश चौहान को दी गई। इसके बाद प्रिंस चौहान को आजमगढ़ का जिला मंत्री बनाया गया। आज जो हमारे आवास पर बैठक बुलाई गई थी, अखिल भारतीय चौहान महासभा की संगठन की बैठक थी, इसमें जितने भी हमारे जिला कार्यकारिणी थे सबको बुलाया गया और कुछ लोगों को दायित्व भी दिया गया। मुद्दा तो कई मुद्दे थे, जो मुख्य मुद्दे थे हमारे अपने चौहान समाज को एकजुट करने के लिए, उसमें जो शिक्षा का अभाव है उसके लिए अवेयरनेस की बात की गई, एक साथ रह के काम करने की बात कही गई, किसी अपराध को लेके या किसी असामाजिक तत्व को लेके एकजुटता होने की बात कही गई, एक लोकतांत्रिक विधि से अपने अधिकार को मांगने की बात कही गई। नहीं, राजनीतिक भागीदारी का भी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी इसके लिए काफ़ी समय है और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग बताएंगे कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारा संगठन समाज के उत्थान के लिए बताएं कि जितनी भी समाज के अंदर कोई भी किसी प्रकार की जो कमियां हैं या बुराइयां, उसको एकजुट होकर उसको हल करने के लिए बात की गई, उसका पढ़ाई लिखाई में शिक्षा का महत्व दे के एक दूसरे की मदद दे के जो है उसके उत्थान के लिए बात की गई। जो भी है एक दूसरे से मिलजुल के ही समाप्त किया जा सकता है, शासन प्रशासन के मदद के द्वारा जो है समाज की जो बुराइयां हैं या अपने जो समाज की बुराइयां हैं उनको समाज के प्रशासन की मदद से ही समाप्त किया जा सकता है, किसी चीज़ की कमी है उस कमी से अवगत करा के उस समस्या को समाधान किया जा सकता है।